नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। अगर आज आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, अभी पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को वंदे भारत ट्रेन के नए वर्जन जो कि 20 कोच का है उसके ट्रायल के बारे में बताया, और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वंदे मेट्रो ट्रेन के बारे में। जुलाई के वक्त में RCF कपूरथला की वंदे मेट्रो जो कि लगभग 16 कोच की होने वाली थी और ICF चेन्नई की वंदे मेट्रो जो कि 12 कोच की होने वाली थी तैयार थी। इनके ट्रायल होना शुरू हो चुके थे और छोटे छोटे ट्रायल्स जो कि लिए भी गए उनकी जानकारी बाहर तक तो नहीं आई, लेकिन हाँ इनको तैयार कर दिया गया था ट्रायल के लिए। और एक बड़ा मेजर ट्रायल अब निकल के आया है 3 अगस्त को। अभी विलिवक्कम से वल्लाजा रोड के बीच में CCRS ट्रायल्स हुए हैं वंदे मेट्रो के 12 कोचेस के रेक के, जो कि ICF ने ही बनाया है। इसमें सदर्न रेलवे, ICF और RDSO के टॉप ऑफिशियल्स प्रेजेंट रहे, तो उनके सुपरविजन में ये ट्रायल सफल रहे हैं। ये ट्रेन फिट पाई गई है रैपिड ऑपरेशन के लिए जो उसका होने वाला है, मतलब जैसे लोकल ट्रेन का ऑपरेशन होता है एक सिटी के अंदर। 110 kmph की स्पीड ये अटेन कर सकती है, जिसके लिए इसको पूरी तरीके से फिट पाया गया है, और ये लगभग 100 किलोमीटर वाला जो इसका ऑपरेशन है उसी के लिए चलाई जाएगी। बाद में 130 kmph भी इसकी एक ऑपरेशनल स्पीड रहने वाली है जो ये तब अटेन कर सकती है जब ये चल रही होगी इंटरसिटी ऑपरेशन के लिए, जिसमें लगभग 200-250 किलोमीटर के रेडियस को ये कवर करेगी। वीडियोस में ये देखा जा सकता है दोस्तों कि ये इंप्रेसिव एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन शो कर रही है, जो कि वंदे भारत ट्रेन की पहचान भी रही है, और अब वंदे मेट्रो में भी यही क्वालिटी देखने को मिल रही है। इसके ऑक्सीलेशन ट्रायल्स, ब्रेकिंग डिस्टेंस ट्रायल्स, कपलर फोर्स ट्रायल्स सभी सफल रहे हैं। अब जिस रूट में ट्रायल हुए हैं, ये रूट है दोस्तों चेन्नई सेंट्रल से लेकर अरक्कम के बीच में। यहाँ पर 9 किलोमीटर चेन्नई सेंट्रल से दूर पड़ने वाला विलिवक्कम से ये ट्रायल शुरू हुआ है, और वल्लाजा रोड जो कि तमिलनाडु में ही पड़ता है और विलिवक्कम भी तमिलनाडु में ही पड़ता है, इसके बीच में 96 किलोमीटर की जो दूरी है इस पर ये ट्रायल हुए हैं, और यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से ये ट्रेन ने अपना प्रदर्शन किया है। इस ट्रेन के अंदर वो सभी क्वालिटी मौजूद है जो कि हमारी वंदे भारत ट्रेन के अंदर मौजूद है। ऑटोमेटिक डोर से लेकर के इंटीरियर में मौजूद हर एक क्वालिटी इसके अंदर मौजूद है। साथ में एक कोच के अंदर 100 पैसेंजर अगर बैठ सकते हैं तो साथ में 200 खड़े होकर भी सफर कर सकते हैं, तो लगभग 300 पैसेंजर एक कोच में आराम से जा सकते हैं। तो आखिरकार वंदे मेट्रो भी अगस्त में सफल हो चुकी है। इसका प्रोडक्शन अब तेज कर देना चाहिए, मुझे जहां तक लगता है इस पर रेलवे अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस करेगा और तेजी से इसकी प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। और साथ में दोस्तों अभी बहुत सी मांग भी आ रही है, जैसे कि भी हाल ही में इंदौर से उज्जैन के बीच में वंदे मेट्रो को चलाने की बात हुई, और साथ में आप लोगों को बता दूं वंदे मेट्रो का एक जाल देखने को मिलने वाला है उत्तर प्रदेश में। आप देखेंगे लखनऊ और कानपुर जैसी जो सिटी है वहां से कई सारी वंदे मेट्रो लगातार अब चलना शुरू होंगी आने वाले 1 से 1.5 साल के बीच में। यहां पर सबसे पहले मेरे को लगता है कि वंदे मेट्रो का इंप्लीमेंट होगा, और जो 2025 में कुंभ मेला लगेगा उत्तर प्रदेश में उसमें वंदे मेट्रो बहुत अहम भूमिका निभाएगी। इसका एक पूरा प्लान तैयार हो रहा है जिसमें यूपी गवर्नमेंट भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रही है। तो वंदे मेट्रो और रोलिंग स्टॉक से जुड़ी आपको सारी जानकारी मेरे चैनल पर मिलती रहेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।